आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर हमें हर समय संभालता है, हर दुर्घटना से बचाता है और हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद प्रभु के प्रतिदिन के आनंद के लिए कि प्रभु ने हमें प्रतिदिन का आनंद दिया है और पूरे दिन भर में उसने हमें संभाला। और सच में हम आनंदित हैं इस शाम के लिए कि परमेश्वर ने ये अच्छी शाम को हमारे जीवन में दिया। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 18 उसका 30 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का मार्ग सीधा है, यहोवा का वचन तय हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। अमेन। सच में परमेश्वर का मार्ग सीधा है, हमारे परमेश्वर का मार्ग बिल्कुल सीधा है और सच में उसमें कोई भी बंधन नहीं, कोई भी रुकावट नहीं, उसमें कोई बीमारी नहीं, उसमें कोई भी दुष्ट के कार्य नहीं, कोई भी नजर नहीं। हर एक मुश्किलें हमारे लिए सीधी हो जाती है क्योंकि परमेश्वर का मार्ग सरल और सीधा है। और सच में हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। सच में परमेश्वर हमारी ढाल, हमारी चट्टान है और सच में वो हमें हर गलत मार्ग से, हर संकट से, हर विपत्ति से वो हमेशा हमारी ढाल बनकर खड़ा होता है। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर प्रभु हमारे प्राणों को हिफाजत से हमें जीवित रखा। प्रभु इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए कि प्रभु जितने भी प्रभु मैसेजेस हमें आते हैं प्रभु और जितने भी फोन कॉल्स में आते हैं परमेश्वर, उन सब के प्रार्थना निवेदों को पिता आपके हाथों में सौंप देती हूं प्रभु कि पिता आप उनकी सुधि लीजिए। प्रभु जी यदि कोई बीमार है प्रभु तो आप उसे चंगाई दीजिए। प्रभु यदि किसी का काम रुका हुआ है प्रभु तो आप उसके काम को बनाइए। प्रभु जी यदि प्रभु कोई प्रभु अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहा है प्रभु तो आप उसकी उसको जॉब दीजिए परमेश्वर पिता। यदि कोई अपना प्रमोशन चाहता है यीशु मसीह आप उन्हें प्रमोट करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यदि कोई जानलेवा बीमारी में है परमेश्वर तो आप उस जानलेवा बीमारी से उन्हें बाहर निकालकर प्रभु उनकी ढाल बनिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी यदि प्रभु किसी के जीवन में प्रभु गड़बड़ियां है प्रभु, यदि किसी का तलाक होने जा रहा है प्रभु तो आप उनके रिश्तों को संभाले परमेश्वर पिता। यदि किसी को किसी ने गलत आरोप में फंसाया है प्रभु तो आप उनके जीवन में प्रभु उनकी ढाल बनिए परमेश्वर, उनके सहायक हो जाइए प्रभु, इस संकट के समय से निकाल लीजिए क्योंकि आपका मार्ग सीधा है परमेश्वर। आप प्रभु सीधाई से लोगों के संग में होते हैं प्रभु, आप प्रभु इनके संग में होइए प्रभु। आप उनके कारोबार पर आशीष दीजिए, यदि कोई कर्ज में है प्रभु उनके कर्जों को आप चुकाइए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद कि आपने इन सब की प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद प्रभु इन सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।